श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले के अनुसार 8 अक्टूबर 2016 को 68 GB निवासी कमला ने उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB में बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ANM ने रिकॉर्ड में बेटी की जगह बेटा दर्ज करा दिया, जिससे कमला को राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं परिवार के मुखिया ने ANM पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। इस बारे में जब आशा सहयोगिनी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान वो भी मौके मौजूद थी। ANM ने जानबूझकर रिकॉर्ड में बेटा दर्ज किया है। वहीं ANM जसविंदर कौर ने बताया कि कागजों में बेटी ही दर्ज है। योजना का लाभ दिलवाने के लिए उन्होंने सभी दस्तावेज भी जमा करवाए, जबकि BCMO सुरेंद्र स्वामी ने ANM का बचाव करते हुए कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को राष्ट्रीय योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरे रिकॉर्ड में बेटी ही है तो बेटी होगी, मेरे रिकॉर्ड में बेटा है तो सर जी बेटा ही होगा। ऐसे कहने सर चलो कोई बात नहीं, पर भगवान तो देखता है ना, कभी किसी से सर कन्या दे के किसी की बड़ा कर हम कर देते हैं, कन्या दे के कोई ऐसा गरीब भी हो तो सर मैं कन्या दे के किसी को मोगी में सर आप पूछो जाके या दूसरे गांव में, पर कन्या दे के ऐसे कोई आता है? और राशन को भी सर मैं कन्या दे के काम करवाती हूँ। जो कर लड़की हुई थी, अच्छा लड़की के वजह से इसने कागजों में लड़का कर दिया, जब लिए ये बोली भी अभी लड़का हो गया, अभी 5,000 रुपया दे दो एक बार आप तो मैं सही कागज कर देती हूँ, हैं तो फिर 5,000 इसने दे दिया, फिर बोलती है 5,000 और देना पड़ेगा जब कागज सही होगा, नहीं तो नहीं है, जयपुर भेजे मैं वो है वो डॉक्टर नहीं मानता फलाना नहीं मानता, ऐसे करके हमारे को 10,000 रुपया भी ले लिया इन्होंने, हमारे को किस्त भी नहीं दिलवाई। उसमें ये है जी, मतलब इंटेंसली हमें नहीं लग रहा है ऐसा हुआ है, भूलवश इतना काम होता है उसमें कई बार हो जाता है, उसकी रिक्वेस्ट भी भेज दी गई है चेंज करने के लिए। बिल्कुल जो लड़कियां हुई है 1 जून 2016 के बाद हुई है, 1 जून 2016 से पहले सुभलक्ष्मी योजना थी, 1 जून 2016 के बाद राष्ट्रीय योजना चालू हुई है, उसके बाद जो लड़कियाँ हुई है और संस्कृत प्रसोजन का हुआ है।